हेलो दोस्तों, ये है मेरा स्विफ्ट। मैंने सेकेंड हैंड में परचेस किया है। ये मेरा फेवरेट कार है बहुत पहले से। मैं ये इस कार को काफ़ी समय से सोचता था कि खरीदूं, पर कभी बजट हो नहीं पाया। भगवान की कृपा से यूज्ड कार है, भले ही फिर भी ले पाया हूँ। कंडीशन काफ़ी अच्छा है, 50,000 किलोमीटर रन किया हुआ है। ये गाड़ी आपका सामने है, थोड़ा गाड़ी गंदा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, कल ही मैंने धोया था। यहाँ का रोड कंडीशन का हिसाब से फ्रंट लुक्स देखिए। इस सेकेंड टॉप मॉडल VXi है। हेडलैम्प इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये लंबा, ये आई के डिज़ाइन में आते हैं। फॉग लैंप्स है दिया गया है। ग्रिल के जो डिज़ाइन है गाड़ी में, फ्रंट और डोर हैंडल की तरफ आप देखिए, यह पूरा क्रोम लगाया है। यहाँ पे VVT की बेजिंग है। ORBM में आपको यहाँ देखिए टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने अपने आप से लगाया है डोर गार्ड। चलिए अंदर देखते हैं, जो जो मुझे चाहिए सब कुछ है ये गाड़ी में। ये पावर विंडो के स्विचेस, इंटीरियर ब्लैक है और ORBM यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर पाते हैं, चाबी ढालना होगा। इंटीरियर देखिए, सीट कवर भी मैंने नहीं चढ़ाया, जैसा था वैसा ही है, एकदम अभी तक नया है, आप देख रहे हैं। ये स्टीयरिंग कवर मैंने चेंज किया है, स्टिचिंग करने दिया था। यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग कवर है। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल तो नहीं आता है इसमें, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे हेडलाइट लेबलिंग है और यहाँ पे अलार्म ऑफ ऑन, जबकि ये काम आता है। और उसके बाद अंदर आपको दिखाता हूँ, अंदर देखिए, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये है मेरा इस कार का की। सो चलिए चाबी ढालता हूँ। चाबी ढालने के बाद देखिए, एसी में बंद कर देता हूँ। ये इसका टच स्क्रीन, 9 इंच का टच स्क्रीन है। क्या कंपनी है मुझे याद भी नहीं। टेक कुछ ऑडियो, टेक समथिंग बोल के एक साल का वारंटी दिया मुझे। काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन है, जो एंड्रॉयड काफ़ी चीज़ सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप GPS वगैरह, मैप, गूगल्स, प्ले स्टोर, म्यूजिक, यूट्यूब, काफ़ी सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ पे साउंड के वो है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए, कुछ अपना सामान आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये सोलर जो घूमने वाला है, इसे जस्ट सजाने के लिए मैंने लगाया है। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था, जस्ट फॉर डैशबोर्ड। गाड़ी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस कंडीशन में मुझे मिला। यहाँ पे देखिए कप होल्डर्स, जो काफ़ी काम आता है। और स्पेस, ये गाड़ी का काफ़ी अच्छा स्पेस है इस कार में। लेग रूम मुझे काफ़ी अच्छा मिला और जो विड है, काफ़ी अच्छा विड दिया गया है गाड़ी में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चलिए बैक साइड देखते हैं। डोर में बंद कर देता हूँ। बैक साइड टायर देखिए, इस टायर का कंडीशन न्यू है, टायर एलोविल नहीं आता है। बैक साइड ये देखिए, बैक साइड से काफ़ी सुंदर और स्पेशियस है। एक बार बैठ के मैं दिखाता हूँ आपको बैक सीट पे। ये देखिए लेग रूम अच्छा है, मैंने जबकि अपना सीट पीछे कर रखा है, फिर भी लेग रूम अच्छा दिया हुआ है इस कार में। लोग पीछे से कुछ इस तरह से लगता है। चलिए अब आप लोगों को, इंजन सील्ड है, गियर बॉक्स, बाकी सब कुछ कभी गाड़ी रिपेयर किया नहीं है, इंजन खोला वाला गाड़ी नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को बूट खोल के दिखाता हूँ। वह बूट इसका आगे से खोलना पड़ता है, लेकिन चाबी से भी खोल सकते हैं। तो आप लोगों को मैं चाबी से खोल के ही दिखाऊँगा। पीछे की तरफ स्विफ्ट की बेजिंग, VXi की बेजिंग, वाइपर नहीं है, एंटीना, माइक्रो एंटीना आता है, हाई माउंटेन स्टॉप टेल लैंप दिया गया है। बूट देखिए, ये पार्सल ट्रे। यहाँ पे जो हेडरेस्ट है, ये बताना मैं भूल गया, ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप से। पीछे बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। मैंने इस कार में
एलईडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये वाला जो कि मैक्स लिंक का एलईडी H4 है। अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन पे अवेलेबल है। उसके बाद ये मेरा जो इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ था इस कार में, ये मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, किसी को अगर चाहिए होगा तो मैं दे दूँगा। तो यही तक था मेरा आज का वीडियो, जस्ट आप लोगों को दिखा रहा था जस्ट मेरा रिव्यू स्विफ्ट को लेके। वैसे तो मैं मैक्सिमम हुंडई गाड़ी का वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं हुंडई पे वर्क करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब गाड़ी को टच करूँ, सभी गाड़ियों को। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है मेरा। मैं दो गाड़ी खोज रहा था यूज्ड कार में, जैसे कि हो गया i20 एक्टिव और स्विफ्ट, दोनों ही मेरा पसंदीदा कार है। सो मारुति से मुझे स्विफ्ट मिला तो मैंने परचेस कर लिया। तो यही तक ही था, बाय बाय। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।